नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई उसी पीछे वाले टॉपिक पे पन्ने सिंह के बारे में। जी हाँ, पन्ने सिंह आपको पता है राजस्थान झुंझुनू जिले का रहने वाला था, एक वर्कर था, मामूली सा वर्कर, ब्लू कलर में जॉब कर रहा था यूएई में। जी हाँ, उनकी डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से। आपने वीडियो देखा भी होगा, दो वीडियो पहले बना चुका हूँ मैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे भाई पन्ने सिंह के परिवार की जीत हुई एक तरीके से। जी हाँ, जिस बॉडी को कंपनी कोविड पॉजिटिव मान के वहीं पे अंतिम संस्कार करने की पूरी तैयारी कर ली थी और उनकी वाइफ से एनओसी मांग ली थी। एनओसी मांगने का मतलब है कंपनी की तरफ से पूरी तैयारी है, जैसे उनकी वाइफ साइन करके दे दे उनको, वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, वहीं उनको दफन कर दिया जाए। जी हाँ, लेकिन परिवार की एक हट थी, परिवार, मोहल्ला, रिश्तेदार, गाँव वालों की, कि पन्ने सिंह की बॉडी जब तक नहीं आती तब तक हम घर पे बैठक करते रहेंगे, नहीं उठेंगे। जी हाँ, लगातार 38 दिन तक घर पे बैठक चलती रही। जी हाँ, हालांकि इस समाज में, हिंदू समाज में 12 दिन तक बैठक होती है, लेकिन फिर भी 38 दिन तक इसकी लगातार बैठक हो रही थी। 39वें दिन पन्ने सिंह की बॉडी आ गई। जी हाँ, 16 अप्रैल को शाम तक घर पे बॉडी पहुंच के उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जी हाँ, ये एक अच्छी है, घर परिवार वालों की सबकी जीत हुई और कहीं ना कहीं कानून भी इसमें सहयोग करता है। जी पहले 15 तारीख को बॉडी आने की बात थी, लगातार मेरे संपर्क में थे, उनके भाई वगैरह मुझे बता भी रहे थे, लेकिन फिर बोला गया था आज डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुए एम्बेसी की तरफ से, इसलिए बॉडी मिलेगी 16 तारीख को। जी हाँ, तो 16 तारीख को सुबह 10 बजे के करीब कार्गो फ्लाइट से बॉडी आ चुकी थी। इधर से उनके परिवार वाले एम्बुलेंस लेके दिल्ली पहुंच चुके थे, उनको इजाजत मिली, फिर वो बॉडी लेके घर आ गए शाम तक, और शाम तक 16 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आप फोटो के माध्यम से भी देख सकते हैं। जी, इसमें भाई देखिए सबका अच्छा रोल रहा, सबसे ज्यादा मीडिया का, इंपोर्टेंट मीडिया है। देखिए आज के जमाने में जो चीज पहले दब जाती थी वो मीडिया में उछल जाती है, और उछलने की वजह से सामने वाला जिसके साथ ये घटना हुई है, जिसने ये घटना करी है, वो एक तरह से दबाव में आ जाता है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, या फिर मीडिया मान लो, या फिर नेताओं का भी सपोर्ट इसमें रहा, इसमें ऐसी कोई बात हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जनप्रतिनिधि होती है, होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो वो डायरेक्ट उनके कॉन्टेक्ट कर सके। जी हाँ, और इसीलिए हम नेताओं को चुन के आगे भेजते हैं कि सपोर्ट करें और हमारे काम में वो भागीदार बने, और इन सब का सपोर्ट करते हुए उनके घर वालों ने सभी को धन्यवाद दिया। बॉडी पन्ने सिंह की आ चुकी थी, उनके अंतिम संस्कार कर दिया गया है 16 अप्रैल शाम तक। जी हाँ, ये बात हो गई अलग। अब ये सोचना ये है कि क्या पन्ने सिंह को अंतिम संस्कार करने से मैटर खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ भाई। उन वो जॉब जहां कर रहे थे ऑन ड्यूटी बाकायदा ड्रेस में बैठे हैं मकान पे, ये तो है नहीं कि अपने हॉस्टल में लेबर रूम में बैठे थे, ऑन ड्यूटी उनकी डेथ हुई है। हालांकि कंपनी ने तो कोविड उनको मान लिया था, उनकी रिपोर्ट भी कोविड नेगेटिव पॉजिटिव आ गई थी, लेकिन मैं तो आज भी ये बोलता हूँ उनकी हार्ट अटैक से ही मौत हुई थी, कोविड का कोई चक्कर नहीं था। लेकिन चलो, वो मैटर अभी खत्म हो गया। अभी सोचना ये है कि वो ऑन ड्यूटी वहाँ पे एक्सपायर हो गए, खत्म हो गए, तो उनकी ये तो है नहीं कि उनको सैलरी कंपनी ने एडवांस दे के वो काम कर रहे थे, उनकी तनख्वाह भी शायद महीने दो महीने की बकाया होगी, 3 महीने की बकाया होगी, या थोड़ी बहुत उनकी सैलरी भी बाकी होगी, या फिर उनकी डेड वहाँ पे डेथ हुई है तो उनका इंश्योरेंस, लेबरों का सबका इंश्योरेंस बनता है। जी हाँ, आप सबको पता है भाई 1980 का जो लेबर लॉ बना हुआ है उसमें बिना आपके इंश्योरेंस के आप काम नहीं कर सकते, आप सबको पता ही होगा। तो उनका जो इंश्योरेंस बना उसके हिसाब से उनकी डेथ हुई है तो उनका मुआवजा भी बनता है। तो कंपनी को अपनी ईमानदारी दिखाते हुए, कंपनी का जेब से पैसा नहीं लगेगा इस मामले में, कंपनी का कोई जेब से पैसा नहीं लग रहा भाई, उनकी इंश्योरेंस थी, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी ना, जेब से पैसा थोड़ी लग रहा है। तो अल बस्ती अल मुक्ता कंपनी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, उनके पदाधिकारियों से, एचआर मैनेजर से, या जो भी उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं इस मैनेजमेंट में को संभालते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पन्ने सिंह की परिवार की स्थिति बिल्कुल खराब है, एकदम पिछड़ा हुआ परिवार है, 3 बच्चे हैं, आगे पीछे कोई नहीं है, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ईमानदारी के साथ उनका जो भी मुआवजा बनता है दुबई लेबर लॉ के हिसाब से, हम ये नहीं कहते कि आप इंडियन लॉ के हिसाब से दे दीजिए, दुबई लेबर लॉ के हिसाब से जितना भी उनका मुआवजा बनता है कंपनी को सशर्त आगे आके उनका मुआवजा उनको देना चाहिए, उनके घर परिवार वालों को। जी हाँ, जिस तरह से वो बॉडी को एनओसी मांग रहे थे घर वालों को बार बार फोन करके, तो अब वो बॉडी पहुंच चुकी है, अब उनको उनका अकाउंट नंबर मांगना चाहिए, उनकी वाइफ का, उनके बच्चों का, ताकि उनका मुआवजा जितना भी बनता है वो डाल देना चाहिए। जी हाँ, हालांकि मैंने वीडियो में पहले बताया भी था भाई, जो दुबई का लेबर लॉ बना 1980 में 149 की धारा 8 में यह प्रावधान किया गया है कि उनका, बता दूं, 18,000 दुबई दिरहम से लेके
35,000 दुबई दराम के बीच में उनका मुआवजा बनता है। कितना भी है उनकी सैलरी के हिसाब से, जितना भी बनता है कंपनी को सहसर्त राजी होके आगे आके उनका मुआवजा उनको देना चाहिए। जी हाँ, हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम ये नहीं चाहते कि कोई बात आगे पीछे करें और कंपनी उसको पीछे खींचने की कोशिश करें। कंपनी से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे और भाई अल बस्ती अल मुक्ता में जितने भी वर्कर आप काम कर रहे हैं, आप सपोर्ट करिए पन्ने सिंह को, के घर वालों को मुआवजा दिलवाने के लिए, क्यों